जनपद में जिला अस्पताल सहित कुल 74 केंद्रों पर 6408 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें 2 महिला स्पेशल बूथ और 2 अभिभावक स्पेशल बूथ बनाया गया है। इसके अलावा जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज सहित सभी सीएचसी पीएचसी पर टीकाकरण का कार्य किया गया। मंगलवार को टीकाकरण का लक्ष्य 20,000 के ऊपर रखा गया था, जिसमें कुल 6408 लोगों को टीका लगाया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 4,493 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 1,915 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने जनता से अपील करते हुए कहा कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है तथा लोग लापरवाही ना बरतें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिल्कुल ही ना जाएं, घर से बाहर जब भी निकलें तो मास्क जरूर लगाएं तथा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे जनपद में 74 जगहों पर टीकाकरण होना है, जिसमें से 2 महिला स्पेशल बूथ है, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ है, हमारे जिला चिकित्सालय महिला चिकित्सालय और बिहारी मेडिकल कॉलेज के साथ साथ हमारे सीएससी पीएससी और अर्बन सीएससी पर वैक्सीनेशन चल रहा है। आज का लक्ष्य हमारा 20,000 है। जनता से क्या अपील करना है? जनता से ये अपील है कि कोरोना पर हम लोग बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण कर रखे हैं। इधर कभी कभी 0 केसेस आ रहे हैं, कभी 2 केस आ रहे हैं। हमारे ज़िले में एक्टिव केसेस जो हैं अभी 30 रह गए हैं, वो भी बिल्कुल ही स्वस्थ हालत में हैं। तो जनता से ये अपील है कि लोग लापरवाही ना बरतें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल ही ना जाएं, जब भी बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, और जिससे कि ये लंबे समय तक अगर ये प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा तो कोरोना से हम अपने जिले से को मुक्त ला सकते हैं।